हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस और दावर्तिका शो में वर्तिका स्वागत करती है आप सभी का। एक बात है ना, कभी कभी ना कुछ ऐसे स्पेशल चाहिए होता है और वो स्पेशल के लिए हमें लगता है कि चलो बाहर चलते हैं, सब जने भी स्पेशल खा कर आते हैं। और जब बात आइसक्रीम की आ जाए तो भाई फिर क्या कहने। अगर हम आइसक्रीम पार्लर में चले जाए तो वहाँ इतनी सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, तो ये भी कौन सी वाली अच्छी है। लेकिन जब बात संडेज़ की आती है ना, तो वाकई में बहुत सारे संडेज़ आने लगे हैं। लेकिन संडे ना अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव आइसक्रीम होती है और उसमें बहुत सारे तरीके से बनता है। हर संडे का एक अपनी फीलिंग होती है, उसके अंदर अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा एक तो छुट्टियों का टाइम भी है और बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और गर्मी भी बहुत है। कभी आपको लग रहा हो कि घर में ही सब जने आए हुए हैं, सबके साथ ही मिलके कुछ स्पेशल, रात का टाइम है, इवनिंग टाइम है, ये चीज़ें तो ऐसी है कि कभी भी अच्छी लगती हैं। तो उस समय आप सबके लिए संडे तैयार कर सकती हैं। और अभी मैंगो का बहुत अच्छा वेदर है, तो भाई हमने यहाँ पर तैयार किया है मैंगो संडे। इसी तरीके से आप अलग अलग जो फ्लेवर्स होते हैं उनके संडेज़ बना सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात है ये बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने ये ली है आम की प्यूरी, और मैं यहाँ पे पैन में आम की प्यूरी ले रही हूँ। जस्ट आम को मैंने कट किया और मिक्सी में बिना किसी पानी के इसको एक प्यूरी बना लिया, थिक बनाया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, ये दानेदार चीनी है, तकरीबन 3 चम्मच है, बाकी डिपेंड करता है कि आम कितना मीठा है। जस्ट इसको हमें हल्का सा पका लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आम अपने आम में ऑलरेडी तैयार करी हुई नेचुरल चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा चीनी के साथ। तो ये मैंने लिया है, पानी में भीगा हुआ केसर है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक खूबसूरत सा कलर आए इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करती हूँ, जहाँ लगता है कि करना ही है। कलर केसर की थोड़ी सी ना खुशबू भी आएगी और एक सुंदर सा कलर भी आ जाएगा, और ये टोटली ऑप्शनल है। तो चलिए ये हमारी प्यूरी थोड़ी सी बस, अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए ये यहाँ पर बहुत गर्म है, तो जब आप ये बनाएं प्यूरी तो आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो एकदम ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी जो इस तरीके की प्यूरी होती है ना, आप इनको आराम से लंबे समय तक काम में ले सकती हैं। आप चीनी के संग इसको तैयार करके रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर, और जब भी आपको मैंगो शेक बनाना है या मैंगो की आइस टी बनानी है, कुछ इस तरीके की चीज़ें बनानी है, तो ये बहुत लंबे समय तक ना आराम से ख़राब नहीं होती है ये प्यूरी से। कभी घर में एक्स्ट्रा आम आ जाए, आपको लगे कि आम बहुत सारे आ गए हैं और आपको लग रहा है कि स्पेस की भी दिक्कत आएगी और कहीं आम ख़राब ना हो जाए, तो आप आराम से उसको कट करिए, मिक्सी में उसकी प्यूरी बना दीजिए और उसको थोड़ा सा चीनी संग से पका लीजिए और उसको आप फ्रीज कर दीजिए। तो ये जो प्यूरी ठंडी हो गई है, अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ग्लास है। सबसे पहले हम इसमें प्यूरी ले रहे हैं, 2 चम्मच मैंने इसमें प्यूरी ऐड करी है, और ये कुछ आम के पीसेस हैं ये इसमें ऐड कर रहे हैं। ये कुछ टूटी फ्रूटी हैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें। ये कुछ रोस्टेड कैशूज हैं, काजू, और ये किशमिश। आप चाहें तो ड्राई नट्स अवॉइड कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई नट जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो ये आइसक्रीम है जिन्हें मैंने पीसेस में कट कर रखा है इस तरीके से, आप स्कूप भी ऐड कर सकती हैं। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ वनीला आइसक्रीम, ठीक है, इसी के साथ ऐड कर रही हूँ ये मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम में आप सिर्फ चाहें तो वनीला, सिर्फ चाहें तो मैंगो, कैसे भी अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकती हैं। ये बस क्रिस्पी राइस है, यानी पर्ल राइस जो होते हैं, थोड़ा सा क्रंच के लिए ऐड किया है। अगेन मैं इसमें वापस प्यूरी ऐड कर रही हूँ,
वैसे संडे के लिए जितना बड़ा ग्लास हो उतना अच्छा है ना। वापस रिपीट कर रहे हैं, कुछ मैंगो के पीसेस, ठीक है। इसके बीच में ना ये केसर वाला पानी है ना, तो मुझे लगा थोड़ा सा ये ऐड कर देना चाहिए। वापस वही रिपीट करेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मिक्स कलर की चाहे वो ऐड कर लीजिएगा। हल्के से वापस वही रोस्टेड ड्राई नट्स, इसमें काजू का वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और वापस आइसक्रीम, सो अगेन दिस इज वनीला आइसक्रीम, दिस इज मैंगो। चलिए टॉप अप कर देते हैं कुछ मैंगो पीसेस के साथ। संडे वैसे भी ओवरलोडेड ही अच्छा लगता है ना। ये देखिए इस तरह से कैश्यूज, रेजिन्स, अगेन ब्लैक करंट भी ले सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद बना रहे हैं, जैसे हमें पसंद होगा हम वैसे बनाएंगे। बिल्कुल घर में बनाने का यही एक बेनिफिट है ना। सो दिस इज़ रेडी, एंड ऊपर से ये मेरे पास क्रिस्पी पर्ल राइस है, पर्ल की बॉल है, बट ये मेरे पास थी और इससे एक टेस्ट आता है तो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, ना ऐड करें। वेफी बिस्किट्स हैं मेरे पास जो मैंने इसमें स्टक कर दिए हैं। ये लीजिए, कैसा लग रहा है? आज से मेरा दिल इस संडे का हुआ, इस मैंगो संडे का हुआ। देखा कितना अच्छा लग रहा है ना ये। भाई ये बताओ कि आपका दिल भी इस पे आया या नहीं आया। चलिए ठीक है, तो ये खाने में मतलब जिनको मैंगो पसंद हो ना, तो मतलब उनके लिए तो ये मतलब जन्नत है। और बाकी मैंने कहा कि अपने अकॉर्डिंग इसे बहुत बनाते रहेंगे हम अलग अलग संडेज़ भी, तो मैं अभी इसको जैसे एक बार देखते हैं ना कहाँ से इसको टच करूँ या नहीं करूँ। सो दिस इज एक बात है, कोशिश कर लीजिएगा पर्ल राइस इसमें ऐड करें, क्योंकि जो उसका क्रंच आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। एक काम और कर सकती हैं, बटर स्कॉच के जो बटन्स आते हैं मार्केट में रेडीमेड, वो भी ऐड कर सकती हैं या घर में बना के इसमें ऐड कर सकती हैं। तो चलिए दिस संडे आपके लिए।